नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिना केमिकल रोगाणु रोधक तकनीक यानी यूवीसी आधारित उपकरणों की। बताएंगे देश के किन हिस्सों से होकर के गुजरेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, कहाँ से दिखेगी पूर्ण वल्याकार आकृति। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण समाधानों का एक वैश्विक अभियान। दुग्ध उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी कारगर, विश्व दुग्ध दिवस पर भारत में कृत्रिम गर्भाधान के फायदे शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन। यूवीसी आधारित कीटाणु रोधी उपकरणों का निर्माण। कोविड-19 संक्रमण को खत्म करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं जन उपयोगी डिजाइन। और भारत में एक बार फिर दिखेगा वल्याकार सूर्य ग्रहण। 21 जून को पड़ रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस साल मुख्य आयोजन कोलंबिया में आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक था बायोडायवर्सिटी। 1973 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम पूरी दुनिया में पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श और समाधानों को लागू करने का एक मंच है, ताकि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखा जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस अभियान पर एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरत को पूरा करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। मनुष्य के स्वार्थी व्यवहार और लालच ने धरती के पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया। संसाधनों में कमी, प्रदूषित वातावरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, नतीजा आम प्राकृतिक घटनाएं भी गंभीर आपदाओं में बदल गई हैं। इस वैश्विक संकट के प्रति जागरूकता फैलाने और समाधान तलाश करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल 5 जून को जैव विविधता शीर्षक के तहत कोलंबिया में कार्यक्रम का मुख्य आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जून 1972 को हुए मानव पर्यावरण सम्मेलन में ये तय किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। उसके बाद 1974 से लगातार हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता रहा है। घटता वन क्षेत्र, खाद्य पदार्थों की बर्बादी, ग्लोबल वार्मिंग और उसके कारण उत्पन्न होने वाले बड़े पर्यावरण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष खास थीम और नारे के तहत इस दिवस का आयोजन दुनिया के अलग अलग शहरों में किया जाता है। भारत साल 2018 में बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के तहत कार्यक्रम की मेजबानी कर चुका है। इस कार्यक्रम का मकसद ये बताना है कि पर्यावरण संरक्षण सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। साथ ही इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव रोकना, पौधारोपण, मिट्टी क्षरण कम करना, अक्षय और नवीन ऊर्जा, बायो ईंधन पर जोर जैसे पर्यावरण संरक्षण तरीकों को लागू करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मेलन, वार्ताएं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार, सोशल मीडिया, फिल्में, गीत, स्लोगन, रैलियां, सामुदायिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत खासकर युवा वर्ग और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस आयोजन का असर भी देखने को मिला है। जहां देश गंभीरता से इन समस्याओं के समाधान तलाश कर रहे हैं, वहीं आमजन भी पर्यावरण को लेकर जागरूक और सतर्क हुए हैं, जो कि हमारी धरती और हमारे जनजीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
दूध हमारी अहम जरूरतों में से एक उत्पाद जो स्वास्थ्य और स्वाद दोनों लाभ देता है। विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल और सही प्रबंधन ने दूध के उत्पादन को बढ़ाने में मदद की और इसी विकास की यादगार के तौर पर 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग में नवीन प्रौद्योगिकी के योगदान पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। मानव ने कब और कैसे मवेशियों से मिलने वाले दूध का सेवन शुरू किया, इसकी शायद ही सही जानकारी हो, लेकिन दूध उच्च गुणवत्ता वाले अनेक पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक उत्पाद है, ये हम सब जानते हैं। हर उम्र के लोग दूध का सेवन कर सकते हैं। यही वजह है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दूध की मांग और खपत भी बढ़ती चली गई और उत्पादन तथा मांग के बीच एक बड़ा गैप पैदा हो गया। भारत में इसे दूर करने के लिए 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति का जन्म हुआ, जिसने डेयरी उद्योग को एक सहकारी समिति बनाकर नया आयाम दिया। नए प्रबंधन और नवीन तकनीक के इस्तेमाल ने भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। इस योगदान की याद में डॉक्टर वर्गीस के जन्मदिन पर हर साल 26 नवंबर को देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इस साल विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर भारत में भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न पशु चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारतीय डेयरी में कृत्रिम गर्भाधान के फायदे पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। दिस इज अ ग्रेट डे एंड ऑन दिस डे वी आर पेइंग आल्सो अ रिच ट्रिब्यूट टू डॉक्टर वर्गीस कुरियन हु हैज ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन लाइवस्टॉक industry as a whole. That's why he has been called as, named as Milkman of India and also father of white revolution in the country. ज्यादा दुधारू जानवर के लिए बेहतर नस्ल की जरूरत होती है। कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी जानवरों की बेहतर नस्ल तैयार करने का ऐसा साधन है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी इस तकनीक से गाय, भैंस और बकरियों आदि की उत्तम नस्लें तैयार की गई हैं। दूध उत्पादन की बढ़ोतरी में इस तकनीक का भी अहम योगदान रहा है। आंकड़ों में देखें तो 1951 की तुलना में साल 2019 में 24% मवेशी बढ़े और दुग्ध उत्पादन में 1105 गुना बढ़त हुई। साल 2018-19 में देश में 6,54,000 करोड़ रुपए की कीमत का दूध उत्पादन किया गया। कृत्रिम गर्भाधान सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन प्रौद्योगिकी है, जो जानवरों के आनुवांशिक सुधार के साथ साथ उनमें बीमारियों और बांझपन को भी खत्म करती है। और अब देश के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो हमने अपनाई है और उसका सबसे मेजर ब्रेक थ्रू ये रहा है कि उसने मिल्क प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया है कि आज हम कह रहे हैं 1,000 गुना हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, 1,000 गुना से ज्यादा। तो ये इसी टाइप के जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, बीच बीच में और छोटे हमारे जो भी जो तकनीकियां हुई हैं जिसमें फीड की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमने अच्छा फीड और अच्छा मिनरल मिक्सचर की टेक्नोलॉजीज है हमारे यहाँ, उसके अलावा हमारे पास रख रखाव की जैसे है टेक्नोलॉजीज है, जैसे कोल्ड चेन हमने मेंटेन की है, ये सबको ये देखते हुए और ये जिसमें कि आप ये मानकर चले कि डॉक्टर वी कुरियन का भी बहुत योगदान रहा है, तो ये सब चीज को हम ये करके आज हम मिल्क में पूरे विश्व में सबसे अग्रिम में है। डेयरी उद्योग में बेहतर प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और अन्य नवीन तकनीक का इस्तेमाल
जिससे डेयरी उद्योग में स्थिरता आई और आज काफी हद तक दूध की मांग और डेयरी प्रोडक्ट उत्पादन के बीच की दूरी को कम किया जा सका है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार डेयरी उद्योग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को और बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी लौटते हैं। As being a bowler all the time in my life and playing the game, I've always understood the small things has given me success. Like for instance, the angle of my run-up, the speed of my run-up, the point of release and so much and so on for different variations to get the desired result. Likewise, in this juncture where we are standing against this battle, against this COVID-19 virus, it's important to take these small steps, but very definitive steps. For example, when we are headed out, it's important to maintain social distancing at least 6 feet from another individual on the road or in the shop or wherever it is, and make sure we wash our hands regularly, keep it as clean as possible all the time when we are touching our faces. And finally, we must also ensure that we are wearing masks when we are headed out to make essential shopping or going out and work or anything like this. These are small steps, but remember, small steps in my bowling has always given me success. Likewise, these small steps will keep you safe against this virus. ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अल्ट्रावायलेट सी वेवलेंथ लंबे समय से रोगाणु रोधक के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। मौजूदा महामारी के दौरान कई भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों ने यूवीसी आधारित कीटाणु नाशक मॉडल विकसित किए हैं। कई उद्योग भी अब सुरक्षित और हर जगह इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। यूवीसी उपकरण कैसे बन रहे हैं और इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने दौरा किया एक उपकरण निर्माण कंपनी का। एक रिपोर्ट। कोरोना संकट ने हमारी जीवनचर्या के साथ साथ जरूरतों को भी बदल दिया है। आज मास्क और सैनिटाइजर्स रोजमर्रा का हिस्सा बन गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हमारे इस्तेमाल में आने वाली सार्वजनिक या निजी वस्तुओं को भी रोगाणु मुक्त करना जरूरी हो गया है। रासायनिक सैनिटाइजेशन के अलावा अल्ट्रा वायलेट प्रकाश का उपयोग करने के लिए नए उपकरण डिजाइन किए जा रहे हैं। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का बड़ा योगदान रहा है और अब उद्योग भी इस तरह के उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। फरीदाबाद स्थित ऐसे ही एक उद्योग APL मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया हमारी टीम ने। पिछले 20 साल से प्रिंटिंग उद्योग में अल्ट्रावायलेट तकनीक के साथ काम कर रही इस कंपनी ने COVID-19 संक्रमण को देखते हुए अब UVC डिसइंफेक्शन सिस्टम का उत्पादन शुरू किया है। इस समय हम APL मशीनरी फरीदाबाद में है, जो कि स्मार्ट UV डिसइंफेक्शन सिस्टम तैयार करती है। मेरे चारों तरफ बहुत सारे स्मार्ट UV डिसइंफेक्शन सिस्टम है जिनकी मदद से हम कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक रूम डिसइंफेक्शन सिस्टम है जिसकी मदद से अगर हम रूम के अंदर छोड़ दें और बाहर आ जाएं, तो ये कुछ ही सेकंड में पूरे रूम को डिसइंफेक्ट कर सकता है। प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों में पाए जाने वाले अल्ट्रावायलेट प्रकाश को दशकों पहले प्रयोगशाला स्तर पर बनाकर अन्य उपयोगों सहित कीटाणु नाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तीन तरह की यूवी रेज A, B और C में UVC सबसे कम वेवलेंथ यानी 200 से 280 नैनोमीटर तक होती है, जिसे कंट्रोल कर आसानी से रोगाणु रोधक बनाए जा सकते हैं। APL ने इसी वेवलेंथ का इस्तेमाल कर उद्योगों, सार्वजनिक स्थलों और निजी उपयोग को ध्यान में रखकर उपकरण तैयार किए हैं। इनमें UVC बॉक्स, UVC चैम्बर, UVC हैंडहेल्ड डिसइंफेक्टेंट,
यूवीसी डिसइंफेक्शन कन्वेयर। ये जो मशीन है ये स्मार्ट यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर यूवीसी टेक्नोलॉजी से हर चीज को कोरोना मुक्त किया जा रहा है। हम यहाँ पर अपना माइक इसके अंदर डालते हैं और इस माइक को डिसइंफेक्ट। और यूवीसी ब्लास्टर लैंप शामिल हैं जिन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा परखा जा चुका है। तो 240 और 275 के नैनोमीटर के बैंडविड्थ जो है वो एग्जैक्टली हर तरह के वायरसेस 99% के जितने वायरस आते हैं इस सेगमेंट में वो बैक्टीरिया सबको किल कर देता है। एंड द बेस्ट पॉइंट ऑफ यूवीसी इज इट डजंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ हीट, कोई हीट जनरेट नहीं होती, जो लैम्प का टेम्परेचर है, जो आपका रूम टेम्परेचर है वही रहता है। तो उसको हमने उठाया, उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, सो नाउ वी हैव कमर्शलाइज्ड इट कि हम इसको लेके चलें कि बहुत लो लेवल पे प्रॉफिट रख के और ये देश के हर कोने में पहुंचे, क्योंकि सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो हमने इसकी कॉस्ट को भी मिनिमाइज किया और एक बल्क में बनाने की इसको कोशिश करी। किसी भी वस्तु को रोगाणु या कीटाणु मुक्त करने के लिए जरूरी है कि यूवी प्रकाश वस्तु के हर कोने तक पहुंचे। इन उत्पादों में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। इन उपकरणों का उद्योगों में इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। निर्मित उत्पादों को पैकिंग से पहले यूवी लाइट से गुजार कर सैनिटाइज किया जा रहा है। यूवीसी बॉक्स दफ्तरों या घरों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसमें आप अपने इस्तेमाल की वस्तुएं और खाद्य पदार्थ निश्चित समय के लिए रख कर बिना रसायनों के इस्तेमाल के कीटाणु मुक्त कर सकते हैं। यूं सभी अल्ट्रावायलेट किरणें मानव शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसलिए यूवीसी को भी बहुत सावधानियों और नियमों के पालन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब वैज्ञानिक 222 नैनोमीटर वेवलेंथ की फार यूवीसी पर काम कर रहे हैं जो मानव शरीर को भी बिना नुकसान पहुंचाए सैनिटाइज कर सकेगी। यूवीसी 222 नैनोमीटर है जिसको फार यूवीसी का नाम दिया है, वो स्किन के अपर लेयर तक रहती है, वो पेनिट्रेट नहीं करती। उसकी आप ऐसे माने कि हमारी एक बंदूक की गोली है जो बहुत दूर तक नहीं जाती, बट जिस लेवल तक चाहिए वहां तक पहुंची और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। अगर दूसरी यूवीसी की बात करें 275 की, वो पेनिट्रेट करके क्रॉस भी हो रही है, ये क्रॉस नहीं हो रही, इस सरफेस को सिर्फ किल कर रही है। तो फार यूवीसी ह्यूमन स्किन के लिए इज गुड और आपके ऊपर सरफेस को, आपकी बॉडी को ये टोटल वायरस फ्री कर देती है। तो हम लोग फार यूवीसी पे भी काम कर रहे हैं। विदेशों में पहले ही अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन आदि को सैनिटाइज करने के लिए यूवी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोरोना के बाद भारत में भी अब उद्योग द्वारा इस तरह के उपकरण बनाए जाने की शुरुआत हो गई है जो कोरोना के बाद भी कई महत्वपूर्ण जगहों पर इस्तेमाल कर समाज को अन्य गंभीर रोगाणुओं से सुरक्षित रख सकती है। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पालन करते हुए, पूरी तरह संयम बरतते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्वीकार करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान।
भारत इस साल के पहले सूर्य ग्रहण का नजारा करने जा रहा है। 21 जून को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा। इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को ऐसा ही सूर्य ग्रहण देखा गया था। पूर्ण वलयाकार आकृति की मार्ग लाइन भारत के राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरेगी और देश के बाकी हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत एक बार फिर वलयाकार सूर्य ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है। जून 21 2020 को पड़ने वाला ये ग्रहण 6 महीने के अंतराल पर दूसरा सूर्य ग्रहण होगा जो भारत से देखा जा सकेगा। इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को भारत में वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा गया था। 21 जून को सुबह 10:12 पर भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत राजस्थान के घरसाना से होगी और 11:50 पर वलयाकार आकृति बननी शुरू होगी। पूर्ण वलयाकार आकृति के मार्ग की ये लाइन राजस्थान के बाद हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के बेहट को टच करेगी और यहां से उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगी। देहरादून चंबा होते हुए जोशी मठ में 1:54 पर भारत से ये लाइन बाहर हो जाएगी। देश के बाकी हिस्सों से आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा। कभी भी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे तौर पर न देखें, क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें आपकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सूर्य ग्रहण के लिए तैयार किए गए चश्मों की सहायता से ही ग्रहण का नजारा करें, या आप कार्डबोर्ड में छेद कर उसके द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब किसी दीवार या कागज पर देख सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था विज्ञान प्रसार ने सूर्य ग्रहण को लेकर ऑनलाइन वर्कशॉप और ऑनलाइन टेलीकास्ट की तैयारी की है। इसके बारे में संस्थान की वेबसाइट विज्ञानप्रसार.gov.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। विज्ञान प्रसार की तरफ से इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हम ये इच्छा रख रहे हैं कि 21 तारीख को वलयाकार सूर्य ग्रहण का जो क्षेत्र है, जिसमें हमने जैसे कहा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का छोटा सा इलाका, उस जगह पर जाके आप लोगों को ये वलयाकार सूर्य ग्रहण का नज़ारा दिखाने के लिए हम वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, हमें जहाँ पर भी वेबकास्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध होगी, हम आपको ये जो नज़ारा है आप लोगों को लाइव दिखाने की हम कोशिश करने वाले हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीध में आ जाते हैं, उस वक्त चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, यानी धरती से देखते वक्त चंद्रमा एक तरह से सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक लेता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धरती सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा धरती के आसपास घूम रहा है, इसलिए हर महीने की अमावस्या को ये स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच आता है। लेकिन हर बार सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक समान तल पर चक्कर नहीं लगाते। चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री पर झुकी होती है, इसलिए हर बार चंद्रमा के बीच में आने पर उसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती। ये स्थिति 3 तरह से होती है। आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा से छिप जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है और धरती पर कुछ देर के लिए रात जैसा नजारा हो जाता है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण, यहाँ चंद्रमा सूर्य के बीच होता है लेकिन उसे पूरी तरह नहीं ढक पाता। नतीजा चंद्रमा के चारों ओर सूर्य का हिस्सा नजर आता है और एक रिंग यानी छल्ले सा आभास होता है। ऐसा होता क्यों है? तो जब चंद्रमा धरती के परिक्रमा पथ को सूर्य के साथ एक सीध में काटता है, तब चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और इस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया में आए धरती के क्षेत्र से
पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। जब कभी पृथ्वी और चंद्रमा इन कटाव बिंदुओं पर एक साथ न होकर थोड़ा आगे पीछे होते हैं, इस स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। धरती दीर्घ वृत्ताकार परिधि में चक्कर काटती है, ऐसे में वो कभी सूर्य से नजदीक होती है तो सूर्य बड़ा नजर आता है, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो सूर्य का बिंब छोटा दिखाई पड़ता है। इसी तरह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो और पृथ्वी सूर्य के निकटतम, तो एक सीध में आने के बाद भी चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को नहीं ढक पाता और सूर्य के बीच नजर आता है। इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बात और, चंद्रमा की छाया धरती के सीमित क्षेत्र को ढकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण धरती के उसी क्षेत्र में देखा जाता है जिस पर उस समय चंद्रमा की छाया पड़ती है। यही वजह है कि हर बार हर जगह सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाता। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, पांचवा तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।